हेलो नमस्कार दोस्तों, तो आप देख रहे हैं जियो न्यूज़। तो वक्त हो गया है दिन भर की बड़ी खबरों को जानने का। तो उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह की देश दुनिया की आप सारी खबरों से रह सके अपडेट। तो चलिए जानते हैं आज दिन भर की बड़ी खबरें। मॉनसून सत्र के पहले ही दिन लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष का जमकर हंगामा, कार्यवाही हुई स्थगित। जी हाँ, विपक्ष के हंगामे के बीच राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 3 बजे तक स्थगित हो गई, जबकि लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 3:30 बजे तक स्थगित करना पड़ा। आपको बता दें कि आज शुरू हुए संसद का मॉनसून सत्र 13 अगस्त तक चलेगा। सरकार ने इस सत्र के दौरान 17 नए विधेयकों को पेश करने के लिए सूचीबद्ध किया है। पीयूष गोयल ने अपोजिशन पर साधा निशाना, कहा सदन में नए मंत्रियों का परिचय रोककर विपक्ष ने तोड़ी लोकतांत्रिक परंपरा। जी हाँ, आपको बता दें कि सदन के मॉनसून सत्र के पहले ही दिन दोनों सदनों में हंगामे के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मंत्रिपरिषद के नए मंत्रियों का परिचय नहीं करा सके। बीजेपी के राज्यसभा में नेता सदन पीयूष गोयल ने विपक्ष पर इसको लेकर निशाना साधा है। गोयल ने कहा कि पहली बार विपक्ष के गैर जिम्मेदाराना व्यवहार के कारण लोकसभा और राज्यसभा में नए मंत्रियों का परिचय रोका गया है। राज्यसभा सांसद पीयूष गोयल ने कहा कि सदन में नए मंत्रिमंडल के परिचय की परंपरा है, किंतु सदन में नए मंत्रिमंडल के परिचय में अवरोध पैदा करना विपक्ष की नकारात्मकता को जाहिर करता है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव बोले, जासूसी के आरोप गलत, सरकार के नियम सख्त। जी हाँ, आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पेगासस फोन टैपिंग मामले को लेकर सोमवार को लोकसभा में बयान दिया। उन्होंने कहा कि जासूसी के आरोप गलत है, इसको लेकर सरकार के नियम बेहद ही सख्त हैं। डेटा का जासूसी से कोई संबंध नहीं है, केवल देशहित और सुरक्षा के मामलों में ही टैपिंग होती है। आपको बता दें कि रविवार को इजरायली सॉफ्टवेयर पेगासस से देश के कई नेताओं व पत्रकारों के फोन टैप करने का मामला सामने आया था। शुभेंदु अधिकारी बोले, बंगाल चुनाव में नेताओं की अति आत्मविश्वास के कारण हारी बीजेपी। जी हाँ, विधायक और पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि पार्टी इस साल की शुरुआत में हुए राज्य विधानसभा चुनाव हार गई है, क्योंकि उसके कई नेता अति आत्मविश्वासी बन गए। इस साल अप्रैल मई में हुए पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी केवल 77 सीटें जीती थी, जबकि ममता बनर्जी ने 213 सीटों पर जीत हासिल की थी। यूपी सरकार ने बकरीद पर गाय ऊंट की कुर्बानी पर लगाया प्रतिबंध। जी हाँ, उत्तर प्रदेश सरकार ने सोमवार को बकरीद के मौके पर गाय ऊंट की कुर्बानी पर रोक लगा दी है। इसके अलावा एक जगह 50 से ज़्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर भी रोक लगा दी गई है। आपको बता दें कि बकरीद मंगलवार 21 जुलाई को है। एक सरकारी अधिसूचना में कहा गया है कि सार्वजनिक स्थानों पर जानवरों की कुर्बानी पर प्रतिबंध रहेगा। चीन ने बिना टीकाकरण वाले नागरिकों को सार्वजनिक स्थानों से प्रतिबंधित करने की धमकी दी। जी हाँ, चीन ने बिना टीकाकरण वाले नागरिकों को सार्वजनिक स्थानों से प्रतिबंधित करने की धमकी दी है। चीन ने स्कूलों, अस्पतालों और शॉपिंग सेंटरों सहित सार्वजनिक स्थानों पर बिना टीकाकरण वाले लोगों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। इस हफ्ते चीन में इस मुद्दे को और भी जरूरी बना दिया गया है, क्योंकि जियांगसी और झेजियांग प्रांतों के कई शहरों ने जनादेश की घोषणा की है, जो सार्वजनिक स्थानों से बिना टीकाकरण वाले लोगों को रोक देगा। कोविड-19 के अल्फा वेरिएंट से डेल्टा वेरिएंट 40-60% अधिक संक्रामक, लेकिन वैक्सीन भी है असरदार। जी हाँ, हाल ही के एक साक्षात्कार में इंडियन सार्स कोविड 2 जेनोमिक्स कॉन्सर्टियम के सह अध्यक्ष डॉक्टर एनके अरोड़ा ने वेरिएंट की जांच और उसके व्यवहार के हवाले से मानक संचालन प्रक्रिया यानी कि SOP के बारे में चर्चा की। यह जाँच यह जानने के लिए की जाती है कि डेल्टा वेरियंट इतना अधिक संक्रामक क्यों है। उन्होंने ये भी बताया कि किस तरह जेनोमिक निगरानी के जरिए इसे फैलने से रोका गया। उन्होंने फिर जोर देकर कहा कि कोविड उपयुक्त व्यवहार बहुत अहमियत रखता है। आपको बता दें कि उन्होंने आगे कहा कि अधिक गंभीर रूप से बीमार करने वाले वेरिएंट के उभरने पर कड़ी नजर रखने की जरूरत है। उसके फैलाव को भी बराबर देखना था, ताकि बड़े इलाकों में उसके फैलाव को पहले ही रोका जा सके।
सुप्रीम कोर्ट ने बकरीद पर कोरोना प्रतिबंधों में छूट देने के लिए केरल सरकार से मांगा जवाब, मंगलवार को होगी सुनवाई। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केरल सरकार से 21 जुलाई को बकरीद त्योहार के मद्देनजर कोविड 19 संबंधी पाबंदियों में ढील देने के फैसले को लेकर जवाब मांगा है। हालांकि शीर्ष कोर्ट ने राज्य सरकार के इस फैसले के खिलाफ याचिका पर सुनवाई करते हुए तत्काल रोक नहीं लगाया है। सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को फिर इस मामले की सुनवाई होने वाली है। केरल में 21 जुलाई को बकरीद त्योहार के मद्देनजर कोविड 19 संबंधी पाबंदियों में ढील देने के सरकार के फैसले की रविवार को विपक्षी दल कांग्रेस और भारतीय चिकित्सा संघ यानी IMA ने आलोचना की थी। IMA ने सरकार के इस फैसले को कानूनी चुनौती देने की चेतावनी दी है। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जीओबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।